इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता माशरे में बुराई हो रही है, गुनाह हो रहा है, जुल्म हो रहा है, होने दो, जाने दो। इस तरह करबला नहीं पहुंच सकते। वली जमान तक पहुंचने के लिए पहले जहां मैंने कल आपकी खिदमत किया कि अपनी जात से बाहर आना पड़ेगा, वहां उस वादी में दाखिल होना है, वो वादी जो इमाम की वादी है, जो इमाम का मुल्क है, उसमें जो चला जाता है उसके लिए फिर कोई चीज रुकावट नहीं है, उसके लिए फिर कोई चीज उसके लिए परेशानी नहीं है, वो देख चुका होता है, उसे नजर आ रहा है आगे क्या हो रहा है। शबे आशूर इमाम ने ऐसे नहीं कहा सिर्फ कि मतलब जाओ चले जाओ कुछ मसला नहीं है, बैत हटा दी जाओ, नहीं, क्योंकि देख चुके थे कि यहां मौत नहीं है, यहां हयात है, हयात, और जो हयात को देख ले उसे फिर कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक पाया आज तक? दुनिया कौमें मर गई मगर क्या जिक्र हुसैन इब्ने अली खत्म हुआ? नहीं हुआ, कभी भी नहीं हो सकता। आज पूरी दुनिया आपको कोई पैसे देता है मजलिस में, घर में कोई पैसे देता है, घर घर जगह जगह, ना दुनिया की कोई एक हुकूमत मजलिसें करा सकती है, खुद इमाम हुसैन, खुद इमाम हुसैन। क्यों? क्योंकि जितनी वो हस्तियां थी कि जो खुद इस काबिल है कि कमाल और इंसान कामिल है, उन्होंने भी हुसैन को याद किया है सबने। खुद सातवें इमाम मरीज है, पैसे देकर शख्स को भेजा, जाओ करबला जाओ, इमाम के कुब्बे के नीचे खड़े होकर मेरे लिए दुआ करो, इमाम है। खुद आयमाल सलातुसलाम ने, पांचवें इमाम ने वसीयत की कि मेरे पैसों से 10 साल तक मीना के मकाम पर आजादारी करो। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अभी इब्ने काब रावी रसूल के साथ बैठा हुआ है, जैसे देखा एक बच्चा आया, रसूल खुदा को सलाम किया, रसूल खुदा ने उसे सलाम का जवाब किया, फिर रसूल खुदा ने फरमाया ए जीनत जमीन और आसमा। रावी कहता है क्या रसूल अल्लाह, मगर आपसे बढ़कर भी दुनिया की कोई जीनत है? आप खिलकत खुदा का हदफ है, आपके चक्कर में दुनिया खल्क हुई, आप मकसद दुनिया है, आपके अलावा भी कोई जीनत है? और आप इस बच्चे को क्या कह रहे हैं? कौन बच्चा? हुसैन इब्ने अली। रसूल खुदा फरमाते हैं कि हुसैन की मंजिलत जमीन से ज्यादा अर्श पर है, अर्श। हर नबी ने हुसैन इब्ने अली पर क्रिया किया है, हर नबी, हर नबी जो गुजरा है करबला से, हजरत आदम से लेकर खातम तक, हुसैन इब्ने अली पर गिरिया है। वजह क्या है? वजह यह कि हुसैन, इमाम हुसैन की किश्ती निजात की सबसे तेज है, रहमत वासे आपके सामने है। एक खलीफा के दौर है, हमें 10वें इमाम का दौर है, खलीफा के बाद बैठे हैं। आपको पता है कि मुख्तलिफ एक क्रिश्चियन मसीह जो मुनाजरे करने आते थे, उसने कहा कि खाके करबला जो है, बला लोग के पास इल्म था अपना, इसमें शिफा है, मगर एक मुनाफिक बैठा हुआ था, उसने बोला अगर शिफा इसमें है तो ये फिर जो खाएगा, जो मरीज नहीं होगा उसको मर्ज भी होना चाहिए, अंदर बुख्स था। उसने जैसे ही खाया वहीं पर हालत खराब हुई, मर गया। उस दिन वो क्रिश्चियन कहता है कि फौरन जो है उसने करबला जाना शुरू कर दिया, सिर्फ खाक
किसी और हरम की खाक खाने की इजाजत नहीं है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक पहुंच सके।